कबाड़ पूरा जमा हुआ है, बोतल, प्लास्टिक की बोतल, ये देखिए। फिलहाल जैसे लगभग आधा जो जेटी है ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं पूरा पानी जो है यहाँ तक आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। सामने आप देख पा रहे होंगे ये है गंगा द्वार, यानी गंगा द्वार होते हुए आप चले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 1 होते हुए दर्शन करने के लिए। ये देख रहे हैं सीन कुछ इस प्रकार है, इस समय सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो तैयारी चल रहा है, यानी कि नाव को किनारे बांधा जा रहा है, जैसा कि इस साइड देखिए सफाई अभियान चल रहा है सुबह सुबह, यानी कि जिन्होंने पान खाकर थूक दिया है। ये देख रहे हैं सभी जगह देखेंगे तो कुल हाल कुछ इसी प्रकार है। यहाँ पर देखिए प्रबंध बनाया जा रहा है नाव को बांधने के लिए, और इस साइड देख पा रहे होंगे जो कि गंगा नदी में कोयला पूरा उतराया हुआ है, ये उतराया हुआ है मणिकंडका घाट का ही कोयला है यहाँ पर मौजूद। फिलहाल गंगा का जो जल स्तर है वह धीरे धीरे अब रफ्तार जो है वो पकड़ रहा है। फिलहाल ये देख पा रहे होंगे जो कि भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है इस समय। एक तरह से देखा है तो जो गंगा द्वार है वो बना हुआ है एक सेल्फी पॉइंट। और जगह जगह आपको सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा जो मलबा है वह पूरा बह कर आया हुआ है। ये उस साइड देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं पूरा कूड़ा का पूरा ढेर है मौजूद। और उसी प्रकार आगे भी है, ये देख रहे हैं, यानी कि इस समय पानी बह रहा है काफ़ी तेज़ी गति से, इसलिए देख रहे हैं जलकुंभी भी बह कर आया हुआ है। फिलहाल देखिए सामने भी एक फ्लोटिंग जेटी बना हुआ है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कूड़ा कबाड़ पूरा जमा हुआ है, बोतल, प्लास्टिक की बोतल, ये देखिए। फिलहाल अभी फ्लोटिंग जेटी की अनुमति नहीं है जाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद है। और आगे बढ़ने के बाद देखा है तो यह जो रैंप आप देख रहे हैं जो ललिता घाट पर बना हुआ है रैंप स्नान करने के लिए ही, हालांकि देखा है तो ये स्पेशल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर दुर्घटना घटने की वजह से काफ़ी यहाँ पर हादसा हो चुका है, तो इसीलिए जो है ये काफ़ी दिनों से इसे बंद कर दिया गया है। ये देख रहे हैं बांस पूरा लगा हुआ है। फिलहाल गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लगभग आधा जो जेटी है ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं पूरा पानी जो है यहाँ तक आ चुका है। फिलहाल जो नहाने का जो सुरक्षित स्थान है वो है इस साइड, इस साइड अगर घाट साइड अगर आप नहा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और इस साइड देखिए है ललिता घाट, ललिता घाट के ही ऊपर है ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर। चलिए ये देखिए सीन कुछ इस प्रकार है। ये देख रहे हैं बाबा का स्थान है, ये भी डूब चुका है, कुछ जो जगह है वो बचा हुआ है। और सामने देखिए लगा हुआ है फ्लोटिंग जेटी। सर देखिए रुद्रास
रुद्राक्ष की मालाएं। यहाँ पर गंगा जल लेने के लिए बॉटल बिक रहा है। और आपको बता दें कि जो स्नान करने वाला जो क्षेत्र है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस साइड देखिए, यानी कि ये वाला जो फ्लोटिंग जेटी है उसके अंदर आप स्नान कर सकते हैं। और उसी प्रकार देखिए उस साइड भी है। और दोस्तों, अपने वीडियो के माध्यम से देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, ये देख रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाही लोगों का जान भी ले सकता है। ये देखिए रील बना रहे हैं। उसी प्रकार देखिए वो लोग भी चक्कर मार रहे हैं। वो भी दिखाया तो काफ़ी गहराई में वो जेटी है। थोड़ा सा भी पैर फिसला, कहानी ख़त्म। तो हालांकि दिखाया तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वीडियो बनाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, जो कि आप जानते ही होंगे आए दिन घटना घटता रहता है। और यहाँ पर देखिए जेटी के अंदर स्नान किया जा रहा है, जो कि ये वाराणसी का मीर घाट पर बना हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए अर्पण स्थल है यहाँ, यानी कि यहाँ पर आप नारियल फूल मालाएं उसमें आप डाल सकते हैं। उस सर देखिए एक चेंजिंग रूम है मेरे घाट पर बना हुआ। और इसे देखिए बल्ली से घेरा गया है।